Hello students, today we'll take up exercise 4.1 of class 7th simple equation. We are starting with question number 2. Okay, now let's start. Check whether the values given in the bracket is the solution to the given equation or not. Pehle hum question ko samajhte hain, hume kya karna hai? Isne hume ek equation di hai, n plus 5 equals to 19. अगर आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप बहुत आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं कि किस नंबर के अंदर मैं 5 ऐड करूं कि 19 हो जाए. तो मैं 19 माइनस 5 करके वो नंबर निकाल सकती हूं एंड दैट विल बी हाउ मच. 19 माइनस 5 विल बी 14. अब मुझे पता है कि इसका आंसर 14 है, लेकिन क्वेश्चन मुझसे आंसर नहीं पूछ रहा है. क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि जो वैल्यू हमने ब्रैकेट के अंदर दी है, आप वो चीज़ चेक करो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, क्या वो इस इक्वेशन का आंसर हो सकता है या नहीं, ये कह रहा है क्वेश्चन. तो आइए शुरू करते हैं इसका सल्यूशन कि हम कैसे चेक करेंगे. ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है. सो द क्वेश्चन इज एन प्लस 5 इक्वल्स टू 19. फिर से लिखते हैं, ये हो गया आपका n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 फॉर n इक्वल्स टू 1. लेट्स जस्ट कंफर्म दैट n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 फॉर n इक्वल्स टू 1. नाउ टू बिगिन विद दे हैव ऑलरेडी गिवन अ वैल्यू. उसने एक वैल्यू दी हुई है और उसने कहा इसके लिए चेक करके बताओ कि सोल्यूशन है या नहीं है. तो इसमें हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं. LHS क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विच इज़ एन प्लस 5. अब हम एन इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमें एन दिख रहा है एन को हटा देंगे और एन की जगह 1 लगा देंगे. तो ये आया 1 प्लस 5. अब 1 प्लस 5 कितना होता है, 6 होता है. क्या ये RHS के इक्वल है? इक्वल टू का लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं LHS और इक्वल टू के राइट साइड को हम बोलते हैं RHS. LHS को n इक्वल टू 1 के लिए अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 6, लेकिन वो तो 19 के इक्वल नहीं है जो कि हमारी RHS है. देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस n इक्वल टू 1 इज नॉट अ सल्यूशन. ये सल्यूशन नहीं हो सकता है. ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद तो आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज डन दैट इट इज नॉट अ सोल्यूशन. तो पहले वाले का आंसर गलत है, सोल्यूशन नहीं होगा. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19. तो 7n प्लस 9 equals to, sorry, plus 5 है. Okay, we'll just make this change. Plus 5 equals to 19 for n equals to minus 2. So 7n plus 5 equals to 19 for n equals to minus 2. So let's start the question. इसके अंदर हम पहले लिखेंगे LHS. Left hand side कौन सी है? ये left hand side है, पूरा लिख दीजिए. 7n plus 5. अब n को हटाइए, n की जगह माइनस 2 लगाइए. कीपिंग इन माइंड इसके बीच में क्या ऑपरेशन है, 7n जब हम लिखते हैं तो ये 7 इंटू n है. अब n को हमने हटा दिया तो ये बन जाएगा 7 इंटू माइनस 2 प्लस 5. अब बच्चों आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आप जब नंबर्स के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो हमें बॉड मास यूज़ करना है ज़रूर. तो इसके अंदर हमारा पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा. तो 7 इंटू माइनस 2 यूजिंग इंटीजर इज माइनस 14 देन प्लस 5. हाउ मच आंसर विल इट यील्ड. माइनस 14 में प्लस 5 करना है तो नंबर लाइन पे आप 0 से पहले माइनस 14 पे जाएंगे और 5 स्टेप्स उधर जाएंगे तो कितना पहुँचेंगे, वी विल रीच टू माइनस 9 and minus 9 is not equal to 19. So what can I say as a solution to this question?
that it is not a solution. So therefore, n equal to minus 2 is not a solution to the given equation. Clear? Okay. Now we move forward to the next question, where the equation is same. 7n plus 5 equals to 19, but for n equals to 2 now. So this is your C part, 7n plus 5 equals to 19 for n equals to 2. So we can go a little fast in this. Ab yahan pe humne 2 laga diya. Ye ho gaya 14 plus 5. Ab dekhiye minus 14 nahi aa raha, to ye 19 ho gaya, which is equals to RHS. Iska matlab n equal to 2 correct solution hai. So therefore LHS equals to RHS and n equal to 2 is a solution to the equation 7n plus 5 equals to 19. Clear? So for the first time I got a correct solution. Ye theek diya hai aur ye wala galat diya hai. Ab hum next pe chalte hain. 4p minus 3 equals to 13 for p equals to 1. So 4p minus 3 equals to 13 for p equals to 1. That's your D part. So let's again start with the same way of writing LHS. LHS kya hai aapka? Sirf left hand side equal to ka. Ye equal to sign hai, to jo bhi kuch left pe hai wo LHS hai. Aur yahan pe hume p ki kya value dalni hai? 1. Ab board mass lagayen, 4 into 1 is 4. 4 minus 3 will be 1, which is not equal to 13. So LHS is not equal to RHS. Therefore, P equal to 1 is not a solution. Last line, so now I suppose that you can write as they are in the next other questions. Okay. Now we move forward to the next part. So this is also a incorrect value. Again, the equation is same. We are testing for p equals to minus 4. So let's begin with the LHS. This is your E part. 4p minus 3 for p equals to minus 4. Ab isko bada dhyan se dekhna hai. Ye multiplication hai. To ye pehle solve hoga. Yahan pe board mass बहुत बच्चों का अभी भी वीक है, तो प्लीज़ ध्यान से आप लोग बॉड मास सॉल्व करें. 4 इंटू माइनस 4 गिव्स माइनस 16, माइनस 13. अब आप इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो नंबर लाइन पे पहले आप जाएंगे माइनस 16 और माइनस, ये माइनस है इसका मतलब लेफ्ट साइड मूवमेंट है, और माइनस 3 इसके अंदर और जाएंगे तो आप पहुँचेंगे माइनस 19 पे. तो द आंसर इज़ माइनस 19, विच इज़ नॉट इक्वल टू योर RHS. Okay, so therefore P equals to minus 4 is not a solution to the equation. Okay, so now we move forward to the next. Ye bhi hume galat diya hua hai. Next wala hume check karna hai. 4P minus 3 equals to 13. क्वेश्चन गलत नहीं है, जो वैल्यू हमें दी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो अभी तक एक ही हमें क्वेश्चन ऐसा मिला जिसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. नाउ 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13 फॉर p इक्वल्स टू 0. सो लेट्स बिगिन. सो वील गो अ लिटिल फास्ट. सो 4 इंटू 0 माइनस 3, 4 इंटू 0 0 हो गया. और 0 माइनस 3 3 नहीं होता, माइनस 3 ही रहता है, ठीक है, जो फिर से RHS के नीचे नहीं आया. सो देयरफॉर P इक्वल टू 0 इज नॉट अ सल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन. आंसर स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट कैरीज मार्क्स. ओके, सो वी आर डन विद ऑल द parts of question number 2, and in my next video I will be explaining question number 3.
Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test, and concept notes made by the teachers of leading schools in India.